हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर मोशन इन ए प्लेन, लेक्चर नंबर 14 फॉर क्लास 11th में डिस्कस करेंगे अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम्स। तो कल हमने अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम्स और रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने सीख लिया था। अगर कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहेगी हो भाई, शेयर तो कोई भी करता नहीं, किसी का भी कोई प्रॉब्लम कल मेरे पास आई नहीं है 11th क्लास में कि हमें समझ में नहीं आया हो या इस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो ऐसा हो तो नहीं सकता कि हर बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि मैंने बताया था कि 11th क्लास में हर टॉपिक फील्ड डिसाइडेड होता है, यानी हर टॉपिक अलग अलग फील्ड का होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि आप क्या बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम होती है और जो ये चैप्टर चल रहा है मोशन इन ए प्लेन, दैट इज मेनली रिलेटेड टू जो आपके मिसाइल, एक तो होती है, तो एक तो मिसाइल को बनाने वाला होता है और एक जैसे ये मिसाइल कहाँ पे जाके गिरनी चाहिए उसकी रेंज सेट करने वाला, यानी उसकी प्रोजेक्शन को सेट करने वाला होता है। तो जो मेनली इसमें मेन बेस है हमारा वो यही है कि कौन सबमरीन का पायलट बन सकता है, कौन शिप का पायलट बन सकता है, कौन एरोप्लेन का पायलट बन सकता है, कौन फाइटर प्लेन का बन सकता है, कोई हेलीकॉप्टर का बन सकता है, इस तरह से कौन मिसाइल की रेंज को सेट करने वाला हो सकता है। इस तरह से हर टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप खुद सोचिए कि क्या हर आदमी एरोप्लेन का पायलट बन सकता है? नहीं। क्या हर आदमी मिसाइल मैन बन सकता है या मिसाइल का रेंज सेटर बन सकता है? नहीं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये टॉपिक मैं एक बार करवाऊँ अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम और सभी एक बार में ही सीख जाए, इम्पॉसिबल है। 100% समझ में आ ही नहीं सकता तो ये बच्चे या तो काम नहीं कर रहे या फिर प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर रहे। तो प्लीज़ आप प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बने कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं तभी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा डेली का डेली, उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं एक बार रिपीट ज़रूर कर रहा हूँ थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद आज मैंने बताया था बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें चाहे आपको कुछ पता हो और चाहे ना पता हो, कुछ आता हो चाहे ना आता हो, सबसे मेन काम है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। क्या निकाल देना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो कल जो मैंने बताया था, आपको बताया था, ये होता है वी आर माइनस वी एम, ऐसे हम इसको लिखते हैं। उसके बाद इसका जो मैग्नीट्यूड होता है आई और जे की फॉर्म में, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर आप इसके लिए ग्राफ बनाओगे तो इसके लिए ग्राफ मतलब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें शो करना चाहोगे तो इसको यहाँ पे शो कर सकते हो। ये माइनस ऑफ वी एम है, इसका मतलब ये है कि जो गिवन वैल्यूज होंगी उसमें गिवन मिलेगा कि रेन कैसे आ रही है, आदमी कैसे चल रहा है। तो मैन ऐसे चल रहा है, रेन ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर से नीचे किस में है? वाई एक्सिस में। इधर से उधर किस में है? एक्स एक्सिस में। एक्स के साथ लगता है आई कैप और वाई के साथ लगता है जे कैप। ठीक है, तो ये तो फिक्स है, ये तो मेरे को चेंज करनी नहीं है। तो ये आ रही ऊपर से नीचे और नीचे आने के लिए लगता है माइनस ऑफ जे कैप। तो सपोज यहाँ पे जो वैल्यू थी वो आपकी वाई थी, समझ गए ना, वाई की जगह पे मैग्नीट्यूड मिलेगा, न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी और इन टू में मैंने कर दिया जे कैप। बात सही है कि नहीं? ऊपर से नीचे आने के लिए माइनस लगता है ना। एग्जैक्ट आपको ये शो करना दिखा देता हूँ मैं मैग्नीट्यूड की हेल्प से। उसके बाद ये सिंबल आपका एज इट इज माइनस वी एम, वी एम। यहाँ पे जो सिंबल यूज करेंगे, यहाँ पे जो सिंबल यूज करेंगे, पहले क्या है इसकी वैल्यू,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज इट इज यहाँ पे शो कर दीजिए, कहाँ जा रहा है ये जा रहा है आपका एक्स आई कैप में, एज इट इज मैंने शो कर दिया एज इट इज सिंबल लेके। तो अब मेरे पास वैल्यू आई माइनस ऑफ वाई जे कैप माइनस एक्स आई कैप। अब इसके लिए फिर दोबारा से कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, माइनस जे कैप किधर होता है इधर और माइनस आई कैप किधर होता है इधर। अब इनका क्या निकाल दीजिए, ऐसे करके रिजल्टेंट निकाल दीजिए। तो रिजल्टेंट तो आप निकाल दोगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं, मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, वी आर एम का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, वी आर स्क्वेयर प्लस वी एम, कोई लेना देना नहीं है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, बस हमें तो सम करना है मैग्नीट्यूड का और अंडर रूट कर देना है, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई, ये है आपका वी आर एम। अब ज़्यादातर केसेस में एंगल विद वर्टिकल पूछता है, अगर ओरिजेंटल पूछ ले तो ये एंगल और वर्टिकल पूछ ले तो ये एंगल, वर्टिकल पूछ ले तो ये एंगल। इसको आगे प्रोसीड कर दीजिए इस लाइन को, तो अम्ब्रेला कहाँ पकड़नी पड़ेगी, इस जगह पे। तो ये जो एंगल है ये आपको बताना पड़ेगा, ये और ये दोनों क्या है आपस में सेम है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल लेके ऐसे ओ ए बी इसको नाम दे के, और इस राइट एंगल ट्रायंगल से क्या निकाल दोगे, इसको थीटा मान के टेन थीटा, और थीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज द एंगल विद वर्टिकल। ठीक है, ऐसे ही एंगल विद ओरिजेंटल निकालना पड़ जाए तो थीटा किसको मान लोगे, इस एंगल को, और फिर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी लोगे, ओ ए बी ये वाले। ठीक है, अब फिर यहाँ पे टेन थीटा निकालोगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा, ये और ये आपस में बराबर, तो ये थीटा, तो ये भी क्या आएगा थीटा, तो आ जाएगा एंगल विद ओरिजेंटल। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम है वो। तो नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस में थ्योरेटिकल वर्डिंग का यूज़ नहीं करूँगा, डायरेक्ट डायग्राम से आपको बताऊँगा कि ये है क्वेश्चन, आपको भी ऐसे ही नोट कर लेना है और उसमें निकालना है वो मैं लिख दूंगा, फाइंड दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में गिवन है इस तरह से, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद होरिजेंटल। रेन है ना डाउनवर्ड, फॉलिंग डाउनवर्ड विद एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद होरिजेंटल, है ना, ये गिवन है, ये क्या है रेन, बस आप लिखो मत कुछ भी, आप ऐसे डायग्राम बना लो रेन। ठीक है, ऊपर से नीचे रेन गिरने लग रही है, कितने एंगल है यहाँ पे 37 डिग्री, एंड इट्स वेलोसिटी, एंड इट्स वेलोसिटी इज 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज वी रेन इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद यहाँ पे बताइए, पहले आदमी को खड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, इस जगह पे एक आदमी, चलिए ये भी चलता हुआ ले लेता हूँ, देखते हैं अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर पहले एक एक एंगल करेंगे फिर उसके बाद दो करेंगे। ये कोई आदमी है, ये चलने लग रहा है आपका 40 किलोमीटर पर आवर से, कितने से 40 किलोमीटर पर आवर। ये है मेरे पास क्वेश्चन, ऐसे बना लीजिए बस, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब जो आपको लिखना है वो है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, फाइंड द नेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एंड एंड फाइंड द एंगल विद वर्टिकल फाइंड द एंगल विद वर्टिकल फॉर फॉर होल्डिंग द अम्ब्रेला
फॉर होल्डिंग द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम द रेन फ्रॉम द रेन। चलिए अब मैं इसको सोल्व करना शुरू करता हूँ। देखिए ये है क्वेश्चन मेरे पास, इतना मेरे पास क्या है क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना, और ग्राउंड केवल और केवल एक्स और वाई कंपोनेंट्स को समझता है, किसके रेन के एक्स और वाई कंपोनेंट्स को समझता है। क्लियर? चलिए तो पहले इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकाल देता हूँ। इसके क्या निकाल देता हूँ, एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकाल देता हूँ। तो गिवन जो है उसमें आप लिख दीजिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू कितनी है, इस साइड में जा रहा है तो ये है 40 आई कैप। मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, किलोमीटर वगैरह को बाद में देखेंगे। 40 आई कैप। सिमिलरली अब आपको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसको आई और जे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले जो गिवन है वो मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये गिवन है ऐसे, ये ऐसे गिवन है, ये जो एंगल है ये कितना है 37 डिग्री, और इधर जो वैल्यू है ये है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ रिजोल्व दिस इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रिजोल्व दिस वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो एक तो कहाँ बनेगा आपका इधर, और एक बनेगा आपका इधर। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि एक तो गिवन है ही आपका जिसके साथ एंगल है वो, एक कंपोनेंट तो वो हो गया इसका, तो ये कंपोनेंट किस एक्सिस में गया, एक्स एक्सिस में, और जिसके साथ एंगल पता वो क्या होता है कोस कंपोनेंट। तो क्या करूँ मैं इसको, इसको कर देता हूँ 50 कोस 37 डिग्री, 50 कोस 37 डिग्री, बात सही है कि नहीं है। सिमिलरली ये क्या आएगा आपका, अगर ये कोस तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री पे, तो ये क्या होगा आपका 50 साइन 37 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 50 साइन 37 डिग्री, इतना आया। इसको यहीं पे सोल्व कर लीजिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद कीजिए क्या थी, देखिए बार बार मैं नहीं बनाऊंगा, आगे जो न्यूमेरिकल है उसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज करूंगा, आपको याद हो जानी चाहिए 3, 4, 5 कौन सा एंगल गिवन है 37 डिग्री, तो ये होता है भाई, कौन सा होता है, ये होता है 37 डिग्री। तो कोस 37 डिग्री पे क्या होगा, कोस 37 डिग्री पे क्या होगा, क्या होता है ये, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 4 अपॉन 5, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 37 की जगह पे 50 इंटू 4 अपॉन 5, बात सही है कि नहीं, दिख रहा होगा आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 टेन 50, और ये आ गया 40 आई कैप, सही बात है कि नहीं, उस तरफ क्या होगा आई कैप 40 आई कैप। सिमिलरली ये है आपका 50 साइन 37, तो साइन की बात करूँ तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा 3 अपॉन 5, क्या होगा 3 अपॉन 5, तो इज इक्वल टू 50 इंटू 3 अपॉन 5, 5 टेन 50, ये आ गया 30, और ये नीचे की तरफ तो आगे माइनस, और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ जे कैप, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ जे कैप। अब इन दोनों वैल्यूज को मिला के बनेगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू कितना हुआ, आई कैप कितना है 40, और ये माइनस एज इट इज 30 जे कैप, ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैंने बताया था कि जो सिंपल बेसिक प्रॉब्लम होती है ना उसमें तो ये जरूरी है नहीं
कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालें या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालें या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालें, ये ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये तो ज़रूरी है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बिना तो प्रॉब्लम सोल्व होगी नहीं। तो इतना इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पता चल गया होगा आपको कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा हो जाती है। अब फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन और विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्चुअल फॉर्मूला है ये इसको सोल्व करने का। इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज रख दीजिए और वैल्यू रखने के बाद जो आपके पास इक्वेशन बने उसके लिए क्या कर दीजिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम का डायग्राम बना दीजिए, उसको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एज इट इज लिख दीजिए 40 i कैप माइनस 30 j कैप, ये आ गया आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ से मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, फिर क्या करना है माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, भाई ये मैंने गलत कर रखा है, यहाँ पे है पॉजिटिव, उस तरफ क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर क्या होता है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये इधर जा रहा है तो ये क्या है 40 i कैप पॉजिटिव का, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ 40 i कैप, सही है। ये माइनस कहाँ से आया है, यहाँ से, यहाँ पे थोड़ा हा पता नहीं किस तरह से लिख दिया, ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इस तरफ है वो क्या होता है पॉजिटिव, ये मैंने लिख दिया। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन में क्या करते हैं हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, आई को आई के साथ अटैच कर देते हैं और जे को जे के साथ अटैच कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। हटा दूं इस पार्ट को, गिवन था, चलिए जो गिवन था उसको मैंने यहाँ से हटा दिया है, तो अब क्या करूं, अब देखिए यहाँ पे मेरे को पहले उस इक्वेशन को सोल्व करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू, ये लिखिए 40 माइनस का 40 प्लस का, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, तो मेरे पास आ गया माइनस ऑफ 30 j कैप। बहुत आसान सा क्वेश्चन मेरे पास हो गया है, माइनस ऑफ 30 j कैप, माइनस ऑफ 30 j कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू, यहाँ से इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर प्लस इसका, नहीं नहीं ऐसे नहीं, पहले आई के कंपोनेंट्स को कंबाइन कीजिए और जे के कंपोनेंट्स को, यानी अलग अलग बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, एक ही कंपोनेंट आई का हो और एक ही जे का हो, तो आई का तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो केवल क्या करोगे 30 का स्क्वेयर अंडर द रूट, इससे ये कैंसिल। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया 30 किलोमीटर पर आवर। अब बात आती है हाउ ही होल्ड द अम्ब्रेला, उसके लिए जो एंगल बनाना है उसके लिए इस तरह से ये बनाया मैंने और फिर क्या किया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, भाई वाह सीधा ही रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, तो माइनस ये 30 j है। अब मेरे को ये बताइए कि अगर रेन गिर रही थी तिरछी, आप भी चल रहे थे आगे, तो आपके साथ कंडीशन ये बन गई कि जस्ट आपको ये लग रहा है कि रेन क्या हो रही है फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो अम्ब्रेला कैसे पकड़ोगे, यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें आपके पास आई का कंपोनेंट आया ही नहीं, तो जो आदमी स्पीड से चल रहा था उसको क्या लग रहा था कि रेन ऊपर से नीचे आ रही है, तो अम्ब्रेला को बिल्कुल सीधा पकड़ के चलेगा, तो एंगल विद वर्टिकल कितना आ गया 0 डिग्री। ये तो भाई पता नहीं इस प्रॉब्लम में कुछ केस ऐसा बन गया कि 0 आ गया, नहीं तो वही राइट एंगल ट्रायंगल बना के सोल्व करते, तो यहाँ पे क्या आ गया है 0 डिग्री, एंगल विद वर्टिकल इज 0 डिग्री, एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज 90 डिग्री। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं इसी तरह की।
अब की बार मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना देके फटाफट सोल्व करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको भी लगे कि हाँ बहुत इजी है और आपकी भी स्पीड बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है रेन अब की बार इस तरह से गिरने लग रही है भाई। अब की बार जो रेन है वो इस तरह से गिरने लग रही है। ये जो एंगल है ये फिर से 37 डिग्री दिया है इसने, और जो वेलोसिटी है वो फिर दोबारा से क्या ली है, वेलोसिटी ऑफ रेन केवल वी आर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। वही सेम टू सेम आपका लिया है, लेकिन अब की बार जो ये मैन है ये इस तरह से जाने लग रहा है। ये जो एंगल है ये भी आपका कितना दिया इसने, 37 डिग्री विद ग्राउंड, यानी किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लग रहा है कोई आदमी इस तरह से, ऐसे यहाँ पे चढ़ने लग रहा है। और ये वेलोसिटी भी इसने दी है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द एंगल विद वर्टिकल, फाइंड द एंगल विद वर्टिकल विद विच द मैन होल्ड द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। फाइंड द एंगल विद वर्टिकल विद विच ही होल्ड द अम्ब्रेला, एंगल विद वर्टिकल विद विच ही होल्ड द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। ये है क्वेश्चन, नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लेवल की है ये। मान लीजिए अगर ये आ गई तो अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, मैंने सारे एंगल जितने भी हो सकते थे सारे इसमें यूज कर दिए हैं। बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम आपके पास ये बन गई है। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल देते हैं। तो इसको ग्राफ को बना लीजिए जो गिवन है उसके लिए। तो इस तरह से अपने पास ये बना है। तो चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये लीजिए ऐसे मैंने इसको बना दिया है। एक डायरेक्शन ये होगी, एक डायरेक्शन ये होगी। इसके साथ इसने एंगल दिया है 37 डिग्री। कितना, 37 डिग्री। ये वैल्यू है कितनी, 50। तो इधर क्या बनेगा, 50 cos 37 डिग्री, और इधर क्या बनेगा, 50 sin 37 डिग्री। तो अभी अभी हमने पढ़ा था cos 37 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। ये क्या होता है, 4/5, 50 × 4/5, और ये क्या होता है, 3/5। तो 50 × 3/5 सोल्व करके लिखोगे तो ये तो आगे 30 कहाँ रहा है, नीचे की तरफ, तो -30 जे कैप लिख देता हूँ। और ये है 55 tan 40, 40 किधर है, इधर एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, और वो भी इधर यानी अपोजिट डायरेक्शन में। इधर इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, माइनस का 40 आई कैप। तो लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन, ना रेन आई है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरे पास आ गया है -40 i कैप और -30 j कैप। क्लियर, अच्छा जी। उसके बाद अगला ग्राफ बना दीजिए किसके लिए, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। जो मैन है वो इस तरह से ऊपर जाने लग रहा था, यहाँ पे ये जो एंगल था ये था 37 डिग्री, इसकी जो वैल्यू थी ये थी 100। तो इधर क्या आएगा, 100 cos 37, ये बात तो सही है, इसके 90 डिग्री पे ये, तो ये क्या आएगा, 100 sin 37। ठीक है, सोल्व कर दीजिए। कोस 37 पे अभी निकाला था 4/5, 5 × 20 100 होता है ना, तो ये आ गया 100 × 4/5, 5 × 20 20 80 80, और किधर है, इधर, तो प्लस का आई कैप। उसके बाद ये आपका है 100 × 3/5, 3/5, 5 × 20, तो ये आ गया 60, और ये है आपका 60 j कैप, और वो भी ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया मेरे पास, ये कैसा है,
इधर इधर किसका है, प्लस का या माइनस का? इधर प्लस का है, तो ये है 80 आई कैप और प्लस 60 जे कैप आ गई। एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे लीजिए, हटा दूं इधर से क्वेश्चन को, ये लीजिए हटा दूं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, ये है जो एक्चुअल में जो अपनी डेली लाइफ में होती है वो ऐसा है ना। बस इतना हो सकता है कि हमारा चलने का जो तरीका वो बदल जाए, रेन ऐसे ही गिरती रहे, हमें इधर भी चलना पड़ सकता है इधर भी, बस केवल और केवल ये ही आपकी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऐसी होती है। और ज़्यादातर में तो ये एंगल भी नहीं होता, ये भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ही होता है ज़्यादातर केसेज में, लेकिन जो सबसे टिपिकल प्रॉब्लम थी उसको मैंने उठा लिया है यहाँ से। और आपको ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगनी चाहिए, बस केवल और केवल हमें करना क्या होता है, सबसे पहला काम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर वेलोसिटी ऑफ रेन मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और फिर लास्ट में क्या निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ये मेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, यानी इसके बिना कोई बेसिक प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं हो सकती। बाकी के बिना कुछ बेसिक प्रॉब्लम सोल्व हो सकती, लेकिन इसके बिना कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, तो इसलिए ये जरूरी है। तो क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, माइनस 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप, माइनस का सिंबल बाहर, ये वैल्यू एज रख दीजिए, 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, सोल्व करिए, माइनस 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप माइनस 80 आई कैप माइनस 60 जे कैप, सोल्व करिए, सारे माइनस के हो गए, तो 120 माइनस 120 आई कैप और माइनस कितना हो गया, 60 प्लस 30 90 माइनस 90 जे कैप आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, क्या करोगे, वही 120 का स्क्वेयर प्लस 90 का स्क्वेयर अंडर द रूट, सोल्व करके लिख दोगे, एक पार्ट हो गया। अब निकालना है एंगल, एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे ना, इसका इसकी पोजीशंस देख लेते हैं इस क्वाड्रेंट्स में। तो इन क्वाड्रेंट्स में पोजीशन ये है 120 आई कैप, इधर है 120 और नीचे की तरफ है 90, इधर है 90, तो रिजल्टेंट कहाँ बनना है, डेफिनेटली आपका रिजल्टेंट यहाँ बनना है, तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, मेरे को क्या निकालनी है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड यहाँ से आ गया, इसकी वैल्यू आ चुकी, अब मेरे को क्या चाहिए, डायरेक्शन, डायरेक्शन किसके साथ, वर्टिकल के साथ, यहाँ से क्या निकाल दोगे, टेन थीटा, तो इसको यहाँ ले आइए 120, ये मेरे पास थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपोन में बेस, तो परपेंडिकुलर यानी 120 अपोन 90 कोस, सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपोन बेस, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर बेस, ये बनेगा क्योंकि इसके ऊपर एंगल पता है, तो क्या आ गया है 120 अपोन में 90, इससे ये कैंसिल, और ये आ गया है 3 और ये आ गया है 4, 4 अपोन 3, टेन थीटा इज इक्वल टू 4 अपोन 3, यानी 4 तो बने बेस और 3 बने परपेंडिकुलर, तो 4 बेस बन गया तो 37 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, तो इसके साथ जो एंगल है ये क्या आएगा 30। भाई आपको अगर याद नहीं हुई है वैल्यू तो आप ट्रिपलेट से निकाल लीजिए, मेरे ये याद है, मतलब बार बार करने से आपको भी याद हो जाएंगी, तो ये क्या आएगा आपका 37। तो ये समझ लीजिए कि इसके अलावा और कोई एंगल वगैरह कुछ भी नहीं बचा है इसमें, पर इतना हो सकता है कोई ऊपर से नीचे भी आ सकता है, हो सकता है ना, और कोई जो रेन है वो इधर इधर की बजाय इधर भी हो सकती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। टास्क सुन लीजिए, क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन यही, केवल करना क्या है, वैल्यूज भी यही, जो एंगल है वो इधर ले लेना है, सुन लीजिए ध्यान से, एंगल है उसको इधर ले लेना है, और ये है ऐसे 37 डिग्री, और ये जो वेलोसिटी वही, लेकिन डायरेक्शन इधर ले लेना, तो जाएगा सब कुछ सेम है, इधर इधर, बस
जो ऐसे था उसको ऐसे कर दिया, जो ऐसे था उसको ऐसे कर दिया। तो ये आपकी टास्क है, इसको सोल्व जिसने कर दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से और अच्छे से समझ के, तो ये समझ लीजिए अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपका नहीं अटकेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से विद इंटरेस्ट आप कर दोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे से शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।